अच्छा तो दोस्तों, आज हम रखने लगे हैं अपने इनक्यूबेटर में अंडे। किस तरह से रखते हैं ये सारा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। जी, हमारा 200 अंडे का इनक्यूबेटर है। अभी ट्रे से निकालते हैं बाहर, पानी वगैरह रख के करते हैं इसको। ये जी हो गया पूरा। अभी हम इसको कर देते हैं ऑन, इसकी हीट हो जाएगी पूरी। फिर हम अंडे रखते हैं, उसके बाद इसमें शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया अभी ऑन। अब हम इसको करते हैं बंद। ये हो गया बंद। अभी हम चलते हैं अंडा और अंडे रखते हैं ट्रेयों में, और उसके बाद में शिफ्ट करेंगे। जी, हमने रख दिए हैं चंडे, कुछ रख रहे हैं। ये जी हमारा एक ट्रे हो गया पूरा। इधर से थोड़ी सी जगह खाली छोड़ती है, बाद में रोटेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो। अंडों को अच्छी तरह साफ करके रखना है, गंदे अंडे नहीं रखने, तो बाद में प्रॉब्लम आती है बच्चे निकलने में। ऐसे अंडे नहीं रखने, इनको अच्छी तरह साफ करना है, बाद में रखने हैं। अच्छा तो दोस्तों, हमने ये देखे हैं, अभी एक ट्रे शिफ्ट कर दी है, बाकी में अंडे लगा दिए हैं, वो भी आपको शिफ्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। नीचे पानी भी है, ये लीटर है। ये जी अब हमारा दूसरी ट्रे आ गई है इसमें। अभी हम तीसरी ट्रे को शिफ्ट करेंगे। जी दोस्तों, ये आ गई है हमारी तीसरी ट्रे जिसमें हम अंडे रखे हैं। तीन ट्रे रखनी है इसमें। अभी हम करेंगे इसको बंद, और कल इंशाल्लाह इसको फिर रोटेशन चेंज करेंगे। फर्स्ट दिन इसको कोई कुछ भी नहीं कहना, यानी कि इसको रोटेट नहीं करना है, दूसरे दिन रोटेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी करते हैं हम इसको बंद। जी दोस्तों, आज हम करने लगे हैं इनके रोटेशन चेंज। अभी हमें इनको करना है जस्ट ऐसे प्रॉपर रोटेट कर देना। 18 दिन तक हमने इसको ऐसे ही रोटेट करते रहना है, इधर से उधर उधर से इधर। इसी तरह से हम नीचे वाली को भी करेंगे। हम दोबारा 19 डेट को वीडियो बनाएंगे, या अभी इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त।
जी हो गए हैं हमारे आज 19 दिन, देखते हैं कितने क्यूज निकल आए हैं। हमने रख दिया अपने चूजों को गुड़ वाला पानी फ्लशिंग के लिए, और थोड़ी सी खुराक भी डाल दी है नीचे जीरो साइज की। ये खाना शुरू हो गए हैं, पानी भी पी रहे हैं।